नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कोरोना वायरस को लेकर यहां पर हर एक राज्य सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि उनके जो राज्य हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित बनाया जाए, कुछ ऐसे कदम उठाए जाए ताकि जो कोरोना वायरस का फैलाव है वो कम से कम हो। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है वो एक कदम आगे बढ़कर आई है और उसने एक ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में जानेंगे ऑपरेशन शील्ड है क्या, ये किस चीज़ में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको स्टडी आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिस इज मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर मिल जाएगी, प्लस साथ में हर एक अपडेट के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां न्यूज़ में देख सकते हो, दिल्ली सीएम अनाउंसेस ऑपरेशन शील्ड टू फाइट कोरोना वायरस डिजीज। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि रिसेंटली दो दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट करीब 21 लोकेशंस को अभी के लिए आइडेंटिफाई किया गया। एंड लेट मी टेल यू, दो दिन के बाद यहाँ पर खबर आ रही है कि इसको 30 लोकेशंस बढ़ा दिया गया। मतलब ये 30 लोकेशंस पर अब लागू किया जा रहा है। मतलब जिस तरह से यहाँ पर जो कोरोना वायरस के केसेस किसी भी एरिया में बढ़ते जाएंगे तो उनकी लोकेशन की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहला आपको ऑपरेशन शील्ड में याद रखना है कि ये कुछ लोकेशंस पर रखा जाएगा, पूरे दिल्ली में नहीं लगाया जा रहा है, उन्हीं एरियाज पर लगाया जाएगा जहां पर हॉटस्पॉट वाले एरिया हैं, जहां पर बहुत सारे अचानक से केसेस सामने निकल कर आए हैं कोरोना वायरस के। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो लोकेशंस हैं इनको कहा जाता है कंटेनमेंट जोन्स। मतलब कि ये जो भी लोकेशंस होंगे यहाँ पर सरकार आइडेंटिफाई करेगी, उनको कंटेन करने की कोशिश करेगी, इसीलिए हम कंटेनमेंट जोन्स कहते हैं यहाँ पर। और मैं आपको बताता हूँ ये कंटेनमेंट जोन्स होते क्या हैं। बेसिकली क्या होता है कि अचानक से अगर किसी मोहल्ले में या फिर किसी एरिया में, मतलब यहाँ डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक मोहल्ला भी हो सकता है, एक छोटी सी गली हो सकती है या फिर एक काफ़ी बड़ा एरिया भी हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर उस एरियाज में कहीं भी ये पाए जाते हैं अचानक से बहुत सारे केसेस, तो वहाँ पर उसको पूरी तरीके से कंटेन कर दिया जाता है उस एरिया को, और वहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी जाती है, जो स्पेशल फोर्सेज होते हैं उनकी तैनाती कर दी जाती है, और 24/7 वहाँ पर चेक रखा जाता है कि जो लोग हैं वो अपने घर से बाहर ना निकले और वो यहाँ पर क्वारंटाइन में रहें। साथ में यहाँ पर सीसीटीवी की भी मदद ली जाती है और ड्रोन्स के साथ भी यहाँ पर नजर रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, जैसे कि घर में यूज होने वाला आटा हो गया, राइस, चावल, इस तरह की जितनी चीजें हैं मेडिकल सप्लाईज, उसकी यहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि एसेंशियल आइटम्स की कोई कमी ना हो, यहाँ पर होम डिलीवरी हो सके, राइट। तो अभी अगर आप देश में देखेंगे, इंडिया में करीब 1200 कोरोना वायरस डिजीज से संक्रमित कंटेनमेंट जोन्स आइडेंटिफाई किए जा सके हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स है। मतलब कि सबसे ज्यादा किसी लोकेशंस में जहां कोरोना वायरस के केसेस पाए गए हैं वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी आपको पता है जो मुंबई है वहां पर काफी सारे केसेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मुंबई में अगर आप रहते होंगे तो यहां पर सत्यनगर है, तो ये कंटेनमेंट जोन का मतलब हुआ कि पूरे सत्यनगर को ये पूरी तरह से सील नहीं किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो उसका पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि यहाँ सत्यनगर में कंटेनमेंट जोन ए है और कंटेनमेंट जोन बी है, आप देख सकते हैं। तो जो जोन ए है वहाँ पर 3-4-5 गली हैं, आप देख सकते हैं इसको सील किया गया है, लेकिन कंटेनमेंट जोन बी में सिर्फ एक सिंगल गली है जिसको यहाँ पर कंटेन किया गया है, इसको पूरी तरह से सील किया गया है, तो इसी को हम कंटेनमेंट जोन कहते हैं। अब यही चीज आप यहां पर दिल्ली में देख सकते हो। दिल्ली में करीब यहां पर ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी संख्या जो है 30 तक बढ़ चुकी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला कंटेनमेंट जोन आपको मालवीय नगर में मिलेगा, जो गांधी पार्क का पूरा जो आसपास का एरिया है उसको पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। इसी तरह अलग अलग एरियाज के आप यहां पर एक बार देख सकते हैं। अब यहां पर जो दिल्ली सरकार ये ऑपरेशन शील्ड लाई है, ये बेसिकली जो शील्ड है ये कंटेनमेंट जोन पर लागू किया जाएगा। देखिए, शील्ड का मतलब क्या होता है, यहां पर सुरक्षा कवच, किसी चीज को रोकना। तो ये जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहां पर ये सारे ऑपरेशन शील्ड लागू किए जाएंगे, मतलब कि पुलिस की तैनाती की जाएगी, उसको पूरी तरीके से सील किया जाएगा। तो जैसा कि आप इसके नाम देख सकते हैं, SHIELD, तो एस का मतलब हुआ कि सीलिंग ऑफ द इमीडिएट एरिया, मतलब वो जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, गली हो गया, मोहल्ला हो गया या फिर पूरा एरिया हो गया, उसको पूरी तरीके से सील किया जाएगा। एच का मतलब हो गया होम क्वारंटाइन, मतलब कि उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं
उनको पूरी तरीके से होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, मतलब कि घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा, वो घर से एक कदम भी बाहर अपना नहीं निकाल सकते। आई का मतलब हो गया आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग ऑफ पीपल, मतलब कि अगर सपोज उस एरिया में कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, सपोज मैं कहता हूँ एक इंसान है जिसको कोरोना वायरस हुआ है और उसने चार लोगों से मिला, तो उन चारों की ट्रैकिंग की जाएगी सपोज, और वो चार लोग अगर सपोज दो दो लोग से मिलते हैं तो उनकी भी यहाँ पर ट्रैकिंग की जाएगी और उनको यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी। तो मतलब जो दो कॉन्टैक्ट्स हैं एक कोरोना वायरस के संक्रमित से, तो दो कॉन्टैक्ट्स पर यहाँ पर उनकी जाँच की जाएगी। आई के बाद हो गया आपका ई, दैट इज एसेंशियल सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़। यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ पर जो एसेंशियल सप्लाई है कमोडिटीज़ की, उसको इंश्योर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि उसकी कमी यहाँ पर लोगों को ना हो। और एल का मतलब हो गया लोकल सैनिटाइजेशन। लोकल सैनिटाइजेशन आपने देखा होगा जो क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एरिया को, मतलब वो जो मोहल्ला है, मतलब तीन चार जो गली को यहाँ पर अगर सपोज मैं कहता हूँ कंटेनमेंट जोन में सील किया गया है, तो उन सबको अच्छे से पूरे स्ट्रीट्स पे उसको यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा ताकि अगर कहीं भी कोरोना वायरस का पाया जा सकता है तो उसको हटाया जा सके। और डी का मतलब हो गया डोर टू डोर हेल्थ चेक्स फॉर एवरीवन, मतलब कि यहाँ पर जितने भी लोग उस कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उन सभी का हेल्थ चेकअप किया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि क्या उन्हें कोरोना वायरस है कि नहीं है। तो ये बेसिक मतलब है यहाँ पर शील्ड का, जो कि ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। सिर्फ यही नहीं, इसके दो दिन पहले भी दिल्ली सरकार ने यहाँ पर 5T प्लान लेकर आई थी ताकि कोरोना वायरस से लड़ा जाए। मतलब कि ये जो 5T प्लान है यहाँ पर, इसके भी आपको अलग अलग मतलब देखने को मिलेंगे। जैसे कि टी का मतलब हो गया 5T, जैसे टेस्टिंग हो गया, मतलब कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का कहना था कि साउथ कोरिया में जिस तरह से काफ़ी एग्रेसिव तरीके से टेस्टिंग की गई है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, वो यहाँ पर दिल्ली के रेसिडेंट्स की जाएगी। दूसरा, यहाँ पर ट्रेसिंग किया जाएगा, हर एक पर्सन जो कॉन्टैक्ट में आया है कोरोना वायरस से उसकी ट्रेसिंग की जाएगी, हर एक पर्सन को यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इवन यहाँ पर सरकार के द्वारा बोला गया कि सरकार ने इंश्योर किया है कि 30,000 पेशेंट्स की यहाँ पर अच्छे से कैपेसिटी हो दिल्ली के अंदर। फिर यहाँ पर टीम वर्क, यहाँ पर सरकार का कहना है कि हर एक इंसान को, रेसिडेंट्स हो, पुलिस हो, ऑफिसर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, सभी को टीम की तरह काम करना है तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और लास्ट में टी का मतलब है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, मतलब कि यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि आई विल पर्सनली ट्रैक एंड मॉनिटर एवरी सिंगल एस्पेक्ट, मतलब कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें वर्क कर रही हैं उसको अच्छे से मैं खुद मॉनिटर करूँगा, ट्रैक करूँगा ताकि चीज़ें अच्छे से हो सके। और यही 5 पॉइंट हैं जिसके थ्रू यहाँ पर दिल्ली कोरोना से लड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ डिफरेंस भी बता देता हूँ लॉकडाउन और सील्ड में। आपको याद होगा यहाँ पर 25th ऑफ मार्च से देश को पूरी तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन में 21 दिन के लिए रखा गया है। तो लॉकडाउन का बेसिक मतलब होता है कि यहाँ पर लोग बाहर तो जा सकते हैं लेकिन ओनली फॉर एसेंशियल कमोडिटीज़, मतलब कि गेहूँ चावल इस तरह की जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो लेना है तभी जा सकते हैं, नॉन एसेंशियल के लिए वो पूरी तरह से बैन है। लेकिन जब मैं आज सील की बात कर रहा हूँ, जब किसी एरिया को पूरी तरह सील कर दिया जाता है तो एक तरह से आप उसको कर्फ्यू कह सकते हो, मतलब वो पूरी तरीके से कर्फ्यू है, एक तरह से आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, सीलिंग का यही मतलब होता है। और यहां पर सिर्फ जो होम डिलीवरीज हैं एसेंशियल सप्लाईज की, जैसे कि फूड डिलीवरी हो गया, यही सब अलाउ किया जा सकता है, या फिर मेडिकल व्हीकल, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट यहां पर जो पासेस हैं वो भी नहीं दिए जाते हैं। आपको पता है लॉकडाउन में काफी सारे जो लोग हैं उनको पासेस प्रोवाइड किए गए, लेकिन जब सीलिंग हो जाती है तो यहाँ पर वो सारे पासेस कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो ये बेसिक अंतर है लॉकडाउन और सील्ड में। और साथ में दिल्ली सरकार के द्वारा एक और निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली में घर से बाहर निकलता है तो सभी को यहाँ पर कंपलसरी मास्क पहनना होगा, भले ही उसको कोरोना वायरस हो या ना हो, सभी को यहाँ पर मास्क पहनना होगा। इनफैक्ट यहाँ पर कई सारे और भी राज्य सरकारों ने, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उन्होंने भी कहा है कि मास्क पहनना कंपलसरी अगर आप घर से बाहर निकलते हो। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप किसी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो, हैंडकरचीफ का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको अपने नाक और मुंह को ढकना होगा। प्लस यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें तो कल ही मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, जहां पर मैंने आपसे पूछा था ऑपरेशन शील्ड के बारे में। और पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, थ्रू दिस ऑपरेशन बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली विल बी कंप्लीटली क्लोज। क्या मैंने आपको यह बताया कि पूरे दिल्ली को क्लोज कर दिया जाएगा? जी नहीं, यहां पर कुछ ही एरियाज जो आइडेंटिफाई किए गए हैं लोकेशन, उन्हीं को क्लोज किया जाएगा ऑपरेशन शील्ड में। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर है आपका, प्रोविजन ऑफ डोर टू डोर चेकअप फॉर एवरीवन इज अवेलेबल। जी हाँ, मैंने आपको बताया था डोर टू डोर यहाँ पर चेकअप होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेकेंड स्टेटमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। प्लस यहाँ पर यूपीएससी डेली एमसीक्यू का मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया है, अगर आप चाहें इंटरेस्टेड हैं तो स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड करके ये आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
यहाँ पर मेरी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भी मिल जाएगी और एक सैम्पल वीडियो भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो। प्लस यहाँ पर मैं बता दूँ कि संडे को ये ऑफ रहता है ये MCQ सीरीज, लेकिन स्टिल यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए एक स्पेशल MCQ ला रहा हूँ संडे को, दैट इज़ कल ही। यहाँ पर आपको एक स्पेशल मैप बेस्ड MCQ, मतलब ज्योग्राफी में जो मैप बेस्ड होता है उसके थ्रू यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल सीरीज दूंगा संडे को। ऑल्दो यहाँ पर ऑफ होता है लेकिन आपको ज़्यादा बेनिफिट हो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। अगर आपको कोई भी क्वारी है तो आप मुझे ankitmate28 यहाँ पर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वारीज होंगी मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।